हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। नया टॉपिक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनके मूल कर्तव्य, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप पीटेट, सीटेट और एचटेट के लिए रीड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा को किसके द्वारा मिलता है? चार ऑप्शन हैं, जैसे कि सेक्रेटरी जनरल, सदन का नेता, स्पीकर या प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का संदेश है जो लोकसभा को है जो स्पीकर के थ्रू मिलता है, तीन नंबर ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कथन दिए गए हैं, जैसे कि जे न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, सेकंड है अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के प्रतिकूल, इसे केवल आशंका के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता, तीन नंबर है राज्य में संविधानिक तंत्र की विफलता के कतिपय वस्तुनिष्ठ साक्ष्य अवश्य होने चाहिए, और चौथा है अनुच्छेद 74 इस उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्त प्रदान करता है। उसका जो राइट आंसर है नीचे और दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों कथन सही हैं, यानी कि एक दो तीन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इन्होंने पूछा गया है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा राइट आंसर आएंगे, नीचे कॉलम के हिसाब से सी हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही है? सबसे लंबा कार्यकाल था उनका, यह तीन बार शपथ लिया, मनोनीत, निर्वाचित या निरपेक्ष बीटों का प्रयोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कथन बताना है, वो सही कथन है, सभी सही हैं। सबसे लंबा कार्यकाल भी उनका था, तीन बार शपथ भी लिया था, मनोनीत निर्वाचित हुए थे, निरपेक्ष बीटों का प्रयोग, ये सभी कथन सही हैं। ऑल ऑफ अब आंसर आएगा द। अगला है, अब तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति पद रह चुके हैं? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 17। अब तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बताना है पद रह चुके हैं, वो है ऑप्शन डी 17, यानी कि 17। अगला है, व्यक्तिगत रूप से रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी 14वें, ऑप्शन सी 15वें, ऑप्शन डी 16वें। रामनाथ कोविंद जी बारे में तो बने थे 14वें राष्ट्रपति, ऑप्शन बी और आंसर है। अब तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव हुए हैं? 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो ये हुए 15 चुनाव अब तक राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 7, अनुच्छेद बी 60 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह आंसर आएगा हमारा बी अनुच्छेद 60। भारत का राष्ट्रपति सांसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। तो ये होगा 59, ए हमारा आंसर है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है इन हालात में? चार ऑप्शन हैं, जैसे कि ए है संसद द्वारा पारित समस्त विधेयकों के लिए, ऑप्शन बी केवल साधारण विधेयकों के लिए, ऑप्शन सी केवल निजी सदस्यों के विधेयकों के लिए या ऑप्शन डी केवल वित्त विधेयकों के लिए। तो जो भारत का राष्ट्रपति है अपनी निषेधकार शक्ति का प्रयोग है जो केवल साधारण विधेयकों के लिए कर सकता है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा।
संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी संसद। संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति है जो राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। सुप्रेन जी 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, अगला पार्ट कल लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।